खबर जनपद मिर्जापुर से। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भरी हुंकार, धरना प्रदर्शन कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा 22 सूत्री मांग पत्र। बेसिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आर पार के मूड में है। जिला संगठन ने प्रदेश के आह्वान पर जिला संघर्ष समिति बनाकर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति न केवल बना चुका है बल्कि उसे क्रियान्वित करने की डगर पर चल पड़ा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला संघर्ष समिति ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर समय से समस्याओं का निस्तारण कराने हेतु ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संघर्ष समिति ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण में बरती जा रही लापरवाही के विरुद्ध हुंकार भरी। संघर्ष समिति के संयोजक राजनाथ तिवारी ने कहा कि सरकार और विभागीय अधिकारियों शिक्षकों की समस्याओं को कम तवज्जो दे रहे हैं। आश्वासन की घुट्टी पीते पीते अब इतना हो गया है कि अब शिक्षक आश्वासन नहीं आंदोलन की राह पर निराकरण कराकर ही दम लेंगे। जिला सहसंयोजक सत्यव्रत सिंह ने आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए चरणबद्ध 22 बिंदुओं से उपस्थित सभी शिक्षकों को अवगत कराया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षक एकजुट होकर आंदोलन की राह पर चलें। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे दायित्वों के प्रति जितने सजग हैं उतने ही अपने अधिकारों की मांग को लेकर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करें। जिला संयोजक राजनाथ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संघर्ष समिति के सदस्य शिक्षकों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरियाघाट स्थित कार्यालय पर धरना दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए को पूर्व में अब तक दिए गए ज्ञापनों की प्रतियां संलग्न कर 22 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मनोज शुक्ला ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संबोधित कर केंद्र के समान राज्य में पेंशन मेमोरेंडम लाकर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं का निदान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान अनिल कुमार त्रिपाठी ने कौशलेश चिकित्सा पदोन्नत स्थानांतरण समायोजन के अलावा विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए अवगत कराया गया। अनुदेश संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप दुबे ने सभा को संबोधित कर अपने संगठन का समर्थन किया। धरना अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में सभी ब्लॉकों से शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। जिला संयोजक राजनाथ ने कहा कि शिक्षक अब रुकने वाला नहीं है। लालगंज ब्लॉक के संयोजक प्रदीप तिवारी ने जनपद में शिक्षकों को हो रही समस्याओं को अवगत कराया। संपूर्ण आंदोलन में पुरानी पेंशन की मुद्दा हावी रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र तिवारी पूर्व प्रधानाचार्य एएस जुबली इंटर कॉलेज रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के संघर्ष के आगे सरकार की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कार्यक्रम में शिवाकांत दीक्षित, जितेंद्र सिंह, सूर्य केश आनंद, अनिल प्रकाश द्विवेदी, गीता सिंह, रीना राय, सरिता राय, मंजू चौधरी, राकेश मौर्य, राघवेंद्र शुक्ला, सत्यप्रकाश दुबे, मंजीत तिवारी, संजय यादव, श्याम बिहारी, संतोष पांडे, ओम प्रकाश, अभिषेक उपाध्याय, गणेश ओझा, कालीकंत, अनिल जायसवाल, त्रिलोकीनाथ सहित कई लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि धरना प्रदर्शन के बारे में शिक्षक क्या बता रहे हैं। आज हम लोग पुरानी पेंशन सहित 22 सूत्री मांग के सफल क्रियान्वयन के लिए, सफलता के लिए यहाँ आंदोलनरत हैं। प्रांतीय नेतृत्व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का निर्देश है कि मिर्जापुर जनपद सहित प्रदेश के सभी जनपदों में दिनांक 20 जून से लेकर के 22 जून तक लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज का कार्यक्रम आंदोलन का है। उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 22 सूत्री मांग को सफल करने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलनरत हैं, बैठे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप लोग चर्चा कर रहे थे कि स्कूल पीपीपी मॉडल पे भी जा सकता है, इसके लिए क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट की जो प्लान है, बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार का निजीकरण के लिए जो साजिश रची जा रही है सरकार की, इसके परिपेक्ष में संगठन के द्वारा ये कहा जा रहा है, संगठन का ये एक तरह से संकेत समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट निजीकरण की तरफ अग्रसर है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है।
बहुत सारे जो अभिभावक हैं उनका प्राइवेट स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होता है, हो सकता है गवर्नमेंट भी इस बात को जानती हो। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी और प्राइवेट का अंतर गवर्नमेंट और पब्लिक ये समझती है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट और सरकारी में यही अंतर है कि जैसे चावल का अंतर है, आप किनकी और आदमचीनी वो मंसूरी चावल को देख लीजिए। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन नौनिहालों को पढ़ाते हैं जिनके अभिभावक अंगूठा टेप होते हैं, जिनके अभिभावक कुछ नहीं करते। उन बच्चों को मैं घर से बुला के लाता हूँ, ऐसे अध्यापक बेसिक के होते हैं, उनके बच्चों को निखारना होता है, निहारना होता है, तैयार करना होता है। कॉन्वेंट स्कूल में सजे सजाए पक्के पकाए बच्चे आते हैं, मेरा उनमें यही अंतर है, मैं उनको तैयार करता हूँ। मेरा चैलेंज है इस चैनल के माध्यम से कि मेरे बच्चों को उनको दे दीजिए, उनको बच्चों को मुझे दे दीजिए, देख लीजिए कितना अंतर आता है। जो 25% निःशुल्क शिक्षा प्राइवेट स्कूल और बड़े स्कूलों को दिया जा रहा है, जैसा आपने कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी सरकार 25% के माध्यम से उस बड़े स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, उसकी क्या सोचते हैं आप? उसमें उस सरकार की सही सोच है, वो उनको देते हैं, अच्छी बात है। और अभी जो भी रियायत हो सरकार की, जो सुविधा गरीब अवंचित वर्ग को दे, 50% कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हमको। जिनको पढ़ाना है मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसी प्रकार से अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास करूंगा। 50% होने के बाद ये पीपी मॉडल हो जाएगा? ऐसा नहीं है, वो पीपी मॉडल की सोच रखते रहे, लेकिन मैं अपनी सोच बच्चों के, समाज से और राष्ट्रहित में उत्तम रखूंगा। ये हमारे शिक्षकों का ये एक मत है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहता हूँ सरकार से, एक ही मेरा अनुरोध है कि आप सक्षम हो, आप देश में अच्छी वित्तीय स्थिति, मजबूत स्थिति में हो, तो पुरानी पेंशन मेरी बहाल करो। पुरानी पेंशन आप बहाल करेंगे तभी शिक्षक कर्मचारी 2024 के चुनाव से लेकर के सभी आपको समर्थन देंगे, अन्यथा पुरानी पेंशन जो नहीं देगा वो देश में राज नहीं करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिंदाबाद।